Assalamualaikum. ड्रीम मीडिया एजेंसी के साथ और ड्रीम मीडिया रेडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के मैच के बारे में। पोस्ट मैच एनालिसिस की हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने पहले अपने दो पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीमती पॉइंट्स पाकिस्तान को दो मिल गए हैं। इस तरह से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता था कि वर्ल्ड कप में वो लॉन्च कर गया अपने पॉइंट्स को। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस हार गया, इंडिया से पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो लॉस किया पाकिस्तान ने और दूसरा मैच जिम्बाब्वे से भी एक रन से हार गया। अभी दो मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, एक मैच साउथ अफ्रीका के साथ है और एक मैच है बांग्लादेश के साथ। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मैच हुआ पर्थ ग्राउंड में खेला गया और इसमें नीदरलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम 89 रन स्कोर किए और पाकिस्तान ने यह बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 6 विकेटों पर से ये मैच जीत लिया। खास तौर पर इस मैच में बैटिंग की बहुत ही अच्छी मोहम्मद रिजवान ने, जो कि T20 इंटरनेशनल के टॉप बैट्समैन है, नंबर वन बैट्समैन है, उन्होंने 49 रन बनाए। सिर्फ एक रन से वो अपनी 50 रन मुकम्मल ना कर सके। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इसी सूरत में वापस आ सकता है कि अपने तीनों मैच जीतता, लेकिन बदकिस्मती से कहना यह पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका ने वहाँ इंडिया को शिकस्त दे दी है और साउथ अफ्रीका इस रैंकिंग में इस पॉइंट्स टेबल पे 5 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर पे चला गया है। उसके बाद इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश ने भी इस वक्त 4 पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं, बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच जीतना है। जिम्बाब्वे के 3 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं और लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तमाम मैचेस को अगर हम देखते हैं, इसका एनालाइज करते हैं, तो हमें अंदाजा होगा कि इन मैचेस में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान पर जिस तरह से लाइक किया जा रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल थी, जो सिचुएशन नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान अच्छी बैटिंग परफॉर्म करेगा, वैसा पाकिस्तान ना कर सका। और इस T20 वर्ल्ड कप में वापसी का सिर्फ एक जरिया है कि साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान शिकस्त दे और साथ साथ बांग्लादेश को शिकस्त दे और इंतज़ार करे इस बात का कि इंडिया मैच हारता है नहीं। इंडिया ऑलरेडी एक मैच हार चुका है और इस वक्त सुपर 12 में तमाम टीमें जो हैं अपनी पूरी कोशिश करिए कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अब बैटिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुलाब जो पाकिस्तान का हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वैसा नहीं खेल सका। अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है देखना यह है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग वाकईतन परफॉर्म करती है नहीं करती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में चेंज किया हैदर अली की जगह बाब जो है फ़खर जमान आए हैं। फ़खर जमान के आने के बाद टीम जो है काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और फ़खर जमान जो है उससे बड़ी ही तवक्कात हैं और फ़खर जमान अगर इसी तरह से खेलते रहे तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी जो है इनिंग्स खेल सकते हैं। दूसरी अगर बैट्समैन की बात की जाए तो अभी बहुत सारे लोगों का कहना है खुशदिल शाह को अभी तक निक पे नहीं है, खुशदिल शाह को मौका नहीं मिला, वो बाहर बैठ रहे हैं। शुएब मलिक के हवाले से, फहीम अशरफ के हवाले से, हसैन तलत के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। अभी ये वर्ल्ड कप जो है उसने बहुत से खिलाड़ियों के साथ साथ सिलेक्शन बोर्ड्स और जो आपकी जितनी भी थिंक टैंक है उन पर एक बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या वाकईतन उन्होंने टीम सही सिलेक्ट किया नहीं की। अब मुझे समझ आती है कि अब जब टीम वापस आएगी तो बहुत से खिलाड़ी जो है हो सकता है रिटायरमेंट का ऐलान करें या उनको टीम से बाहर किया जाए और नई टीम तश्कील दी जाए, और नई टीम जब तश्कील दी जाएगी तो फिर पाकिस्तान एक बेहतर प्लेइंग 11 खेल सकता है। अब ये तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप ही हम पाकिस्तान जो है दोबारा रिवाइव कर सकता है और ओपनिंग में भी चेंज लानी चाहिए। शान मसूद को पहले यहाँ, फखर जमान को पहले आना चाहिए बैटिंग करने के लिए, तब ही मौके बन सकते हैं। आप ये तमाम प्रोग्राम्स देख रहे हैं ड्रीम मीडिया रेडियो पे। ड्रीम मीडिया रेडियो जो है उसके ऐप में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, पेज को लाइक करें और फॉलो करें। उसके साथ साथ ड्रीम मीडिया रेडियो की जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रीम मीडिया रेडियो जो है और ड्रीम मीडिया एजेंसी के जो यूट्यूब चैनल पर जाएँ, प्री और पोस्ट मैचेस के एनालिसिस जाने और 9 से 10 बजे रात को जो प्रोग्राम आता है उसको देखना मत भूलिए। 9 से 10 बजे हम स्पोर्ट्स आवर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तमाम स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और इन स्पोर्ट्स पे हम बात ये करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस जा रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कितना आगे है, कितना पीछे है, और हमें सब ने मिलकर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बेहतर बनाना है, क्योंकि जो इस वक्त जबू हाली है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की उसकी मेन वजह यह है कि उस पर सही मायनों में सही नज़र नहीं रखी जा रही है। हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को हमने दोबारा रिजनरेट करना है और रिजनरेट उसी वक्त कर सकेंगे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे, जिसकी हम एक कोशिश कर रहे हैं। ड्रीम मीडिया उसमें से उस काविश का एक हिस्सा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रीम मीडिया रेडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। आमिर खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।